और कैसा भाई? क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, गोपाल चौधरी। बढ़िया, कैसा भाई? बस सर, बढ़िया बात। तो किस टाइप के क्वेश्चन मतलब सर हार्ड लग रहे थे, इजी लग रहे थे? इजी तो वो 45 सेकंड वाले इजी थे। 45 सेकंड इजी थे मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने लगभग सारे सही किए थे। हेलो, क्या नाम आपका? माही। अच्छा, अभी से खड़े थे, मुझे लगा कि बोले नहीं। एक्चुअली सर, आप मेरे फेवरेट टीचर हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ। ठीक था। नहीं, इतना हार्ड नहीं था, बस थोड़ी सी मैथ्स इस बार मेरे को लगी थी। हाँ, इतने होंगे। इंग्लिश वाले एक दो तो थोड़े से हार्ड थे, बाकी सब ठीक थे। हाँ, 45 वाले मेरे तो बहुत अच्छे गए, बाकी का मैं नहीं कह सकती। सर अच्छा गया, इजी था। इजी था पेपर? हाँ, मतलब इजी लगा। अच्छा, क्या बात। वैसा कोई सेक्शन जो स्पेशली हार्ड लगा हो, सभी क्वेश्चन आ गया हो, अजीब सा, पहली बार देखा है? नहीं, पहली बार देखा वाला ऐसा कोई। कुछ कराया था? हाँ जी, तुमने लाइव सेशन की, उसमें से कुछ असर पड़ा कुछ? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने 45 सेकंड में पूरा लिख लिया था जो भी था उसमें, और सारे आंसर मैंने सही किए। और क्या चीज़? बढ़िया। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? वो तो 41-50 हो जाएगा। हाँ, 140 तक। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा कुछ? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, धूझ रहे हैं? नहीं, बारिश। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर, पेपर मोडेड था, ये कि नाटा सेकंड जो था उससे थोड़ा टफ था ये पेपर, उससे टफ रहा इस बार। और पेपर बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थे वो इजी थे, 45 सेकंड क्वेश्चंस थे वो इजी थे, लेकिन जो बिल्डिंग्स आ रही थी, जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बिल्डिंग के बारे में, वो थोड़ा टफ था इस बार। आपका नाम क्या? अभिषेक। अभिषेक जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। आपकी सपोर्ट से बहुत हेल्प मिली सर। बस यार, वही आप कितना मतलब बिना कोचिंग के, मतलब बिना फीस के, आप हमारे लिए इतनी गोल्ड आ रहे, नोट्स आ रहे, काफ़ी हेल्पफुल, मज़ा आइए पढ़ने। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बढ़िया, मेरी डॉटर है। क्या नाम आपका? सलोनी। पेपर अच्छा था? कोई हार्ड लगा? सेक्शन इजी था? कैसा था? नहीं, आपका पढ़ाया हुआ था तो वो आ गया सारा। था? बिल्कुल। चलो बढ़िया। तो मतलब ऐसा कुछ पहले आपने दिया था नाटक फर्स्ट? हाँ दिए। उसके मुकाबले कैसा लग रहा था? हार्ड था, इजी था? उसके मुकाबले इजी था। आपने सारे क्वेश्चन सेट कर लिए? हाँ। कुछ नहीं छोड़ा? नहीं। कितना एक्सपेक्ट कर? आपने बोला था, बोले लास्ट मोमेंट वाली वीडियो में कि छोड़ना कुछ नहीं है, दही का खाना है, चॉकलेट खानी है, सब सुना था। ओके, चलो बढ़िया। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल पेपर है? उसके मुकाबले कैसा लग रहा? अच्छा था। स्कूल में इजी था? हाँ, मेरे को इजी लगा। कौन सा सेक्शन अपने सारे मतलब अच्छा से हो गया? हाँ, अच्छे से हो गया। अच्छा, और कोई सा कोई सेक्शन हार्ड लगा? मैथ्स, फिजिक्स या 45 सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चन सर हार्ड लग रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन थोड़े से लगे, और तो सारे इजी लगे मेरे को। इजी लगे मतलब सारे क्वेश्चंस कर लिए? हाँ, सारे अटेम्प्ट किए। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 160-170। क्या बात है, ये देखो 170 के दावेदार हमारे कने सामने। नाम बताइए अपना। ऑफिस पायल पाटीदार। कहाँ से हो आप? MP। ओके ओके, यहाँ पर एग्जाम देने था दूर? उधर सेंटर नहीं आसपास? ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया। और बाकी क्लासेस के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप। और कुछ सुधार कर सकते हैं हम बताएं जरूर? नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई सुधार की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी और कुछ साथ में आपके? नहीं, वो मम्मी और भाई है। कैसा एग्जाम? अच्छा था सर, ठीक ठीक था, सही था। सेक्शन कौन सा हार्ड वगैरह, कौन सा कोई इजी सेक्शन था ऐसा कुछ? सारे इजी सेक्शन थे। मैथ्स फिजिक्स कैसा था? मैथ्स फिजिक्स ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन छोटा तो नहीं? क्वेश्चन एक दो छोटे। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ एग्जाम। तो कोई क्वेश्चन सेक्शन हार्ड था?
नहीं डिजाइन को सही एक दो आठ थे, बाकी उतने ही थे। ये सब आपका एग्जाम बस बहुत बढ़िया हुआ और मैंने आपके वीडियोस देखे थे और उसी से गया मेरा इंटरव्यू और बहुत अच्छा था। तो मतलब ये ऐसा कौन सा सेक्शन थोड़ा हार्ड ऐसा लग रहा था ज्यादा? नहीं नहीं हार्ड तो कुछ भी नहीं लग रहा था, बस मैथ्स और फिजिक्स में मेरी कम तैयारी थी तो उसमें अच्छा हुआ वैसे। बाकी 45 सेकंड क्वेश्चन ये सब अजीब से थे? नहीं नहीं अच्छे थे सारे क्वेश्चंस। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बस बढ़िया मतलब हो जाएगा मेरे तो। हां 150 क्या बोल रहा। ओके थैंक यू युवराज कुमार। अच्छा कैसा गया आपका? बहुत बढ़िया गया। वो सेक्शन से हार्ड इसी लग रहा था? मैथ्स थोड़ा सा हार्ड लगा, बाकी हार्ड लगा। एप्टीट्यूड बहुत आसान है। फिजिक्स वगैरह? फिजिक्स भी बहुत आसान है। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन लास्ट क्वेश्चन कर लिया सब्जेक्ट पेंसिल? हाँ वो सब किए, सब कुछ अच्छे से हो गया था। 45 सेकंड वाले भी किए, सब अच्छे से हो गया था। हाँ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स? 141 की कितना? 160 मार्क्स हो गया कहते हैं। 160 मार्क्स, ये 160 मार्क्स के दावेदार हमारे साथ में खड़े हैं, देख लीजिए भैया से सीखिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? यज्ञेश शाकावत। कैसा हो? अच्छा हुआ। वो सेक्शन हार्ड इजी कैसा लगा? मॉडरेट था पेपर। ऐसा शॉर्ट नहीं लिख पा रहा? नहीं वो तो आराम से हो गए, मैंने क्या डायग्राम पेपर पर ड्रॉ कर लिए तो आराम से फिर देख के बता दिए। कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस तो नहीं थी 45 सेकंड के अंदर? नहीं मतलब नॉर्मल थे, कॉइन्स थे कुछ, एक बिल्डिंग्स थी। हाँ मतलब ओवरऑल अच्छा हो गया। हाँ मेरा जल्दी हो गया था। जल्दी हो गया तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? मेरा 50। हाँ 50 के आसपास आ जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेपर तो देखा जाए तो मॉडरेट था, इजी भी नहीं था ना हार्ड था। तो मॉडरेट कह सकते हैं। आपने पहले अटेम्प्ट दिए थे पहले ये सेकंड वाला अटेम्प्ट? फर्स्ट वाला अटेम्प्ट? सेकंड वाला अटेम्प्ट दिया था मैं। उसके मुकाबले कैसा लगा? इजी हार्ड? उसके मुकाबले थोड़ा इजी लगा। इजी लगा था आपको? क्वेश्चन तो नहीं छूटा? कुछ चार क्वेश्चंस थे वो नहीं आ रहे थे, वो भी अटेम्प्ट कर दिए। अटेम्प्ट कर लिया। हेलो कैसा रहा पेपर? हेलो कैसा रहा पेपर? अच्छा गया पेपर तो। सब कुछ हार्ड सेक्शन कैसा लगा? हार्ड ही सबसे हार्ड रिडल्स आई थे कुछ, वो हार्ड थी। हां और 45 सेकंड वाले क्वेश्चन इमेजेस बच्चे बोले कुछ हार्ड इमेजेस थी सब सारे? कुछ एक इमेज थी वो ध्यान नहीं दिया तो इसलिए वो पीछे आंसर छूट गया इसलिए। अच्छा छूट गया, बाकी और कुछ क्वेश्चन ही छूटे? नहीं सब बराबर है, बाकी सब हो गया था। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी 150 प्लस तो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ओके ऑल द बेस्ट। आपका नाम? नुपुर। ओके थैंक यू। हेलो कैसे हो? क्या नाम होगा? अर्णव। अर्णव कैसा पेपर? बहुत बढ़िया गया। आपने जो बताया था ना क्वेश्चन जो करवाए थे पीडीएफ में, ज़्यादातर उसी में से निकले। हाँ एक तो सेम टू सेम होगा वही है। अच्छा मैथ में से? हाँ मैथ में वो 10π² वाला कुछ ऐसा था, सेम टू सेम वही है। फिजिक्स में से भी सेम आए हैं कुछ, मतलब रिलेटेड आए हैं। प्रिंसिपल डिजाइन वाले क्वेश्चंस? प्रिंसिपल वाले हाँ वैसे आए, मतलब आपने जो कराया था ना वो हाई आर्ट की वगैरह सब वगैरह वैसे हैं। ओवरऑल मतलब अच्छा गया? ओवरऑल अच्छा गया। एक्सपेक्ट कर रहे हो? 150 प्लस आराम। और ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेश। हितेश ओके कैसा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था और मतलब मेरे को जो बेसिक डिफिकल्ट पार्ट लगता था वो फेमस आर्किटेक्ट और उनके वर्क्स का लगता था और वो क्वेश्चन बहुत कम थे। क्या बात है, बढ़िया। तो मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 140 अबव डेफिनेटली। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अच्छा हो गया। ओके कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा गया सर। लास्ट टाइम मैंने बेसिकली फर्स्ट अटैम्प्ट और दिया था और थर्ड अटैम्प्ट था नाटा का, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने नहीं दिया था। इस बार फर्स्ट टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। कैसा था फिजिक्स? फिजिक्स तो नॉर्मल था, फिजिक्स मैथ्स बेसिक था वैसे करने लायक। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ज़्यादा क्वेश्चन भर गए थे? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के थे अच्छे खासे क्वेश्चन। बाकी 45 सेकंड क्वेश्चन वगैरह हाँ सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए आराम से हो गया। हाँ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस बार तो 130 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, 130 एक्सपेक्ट करो मतलब आराम से 150 पहुँच जाओ सर। अब मैथ्स फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया मतलब? नहीं नहीं ऐसे एक दो जो मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड थे उनको